हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। टीवीएस कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रही है। टीवीएस ने ये ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि वह अब अपनी टीवीएस फेयरो 125 को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। टीवीएस की तरफ से टीवीएस फेयरो 125 का ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुका है दोस्तों। ये टीवीएस की तरफ से आने वाली 125 सीसी के सेगमेंट में पहली इंडिया की रेट्रो बाइक होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, इस बाइक का प्राइस आपको कितना देखने के लिए मिलेगा और इस बाइक का जो लुक है वो आपको कैसा देखने के लिए होने वाला है। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील्स। दोस्तों टीवीएस कंपनी ने इंडिया में 2018 में होने वाले ऑटो एक्सपो में फेयरो 125 के कॉन्सेप्ट को दिखाया था और तब से लेके इस बाइक का इंतजार इंडिया में काफी लंबे समय से किया जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली आपका जो इंतजार है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि टीवीएस कंपनी ने इस बाइक का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डन कर दिया है और ये बाइक इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। अगर हम इस बाइक के लुक के बारे में बात करें दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के जो इंडिकेटर है दोस्तों वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको बहुत ही बेहतरीन एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और स्टैंड अलार्म जैसे काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओवरऑल बाइक का जो लुक है दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक में आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न लुक का काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीएस का फीचर देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा। हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें दोस्तों तो बाइक में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये बाइक आराम से 112 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेगी। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेस 2 वाला इंजन होगा। तो अगर इस बाइक की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,15,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लगती है, क्या आपको भी इस बाइक का इंतजार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।